दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, सीखा मैंने जीना मेरे हमदम, ना सीखा कभी जीना। तो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप लोग? अगर उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस, आप लोग को प्रीव्यू देख के तो पता चल गया होगा कि हम आज के इस वीडियो में किस तरह का वीडियो एडिट करने वाले हैं। तो बस आपको क्या करना है कि वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करना है। और गाइस, इस वीडियो को हमने एडिट किया है काइन मास्टर के अंदर। अगर आपके पास काइन मास्टर नहीं है तो मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, तो मैं जो है इसका लिंक आपको दे दूंगा, तो आप इजीली जो है काइन मास्टर डाउनलोड कर सकते हो। और गाइस, आपको जो भी मटेरियल मैं इस वीडियो के अंदर यूज़ करूँगा आपको सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप इजीली जाके डाउनलोड कर सकते हो नीचे से, ठीक है? तो गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी मैं कोई इस तरह की न्यू वीडियो लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आपको सबसे पहले करना है क्या कि आपको क्रिएट न्यू पर क्लिक कर देना, जैसे कि आप देख पा रहे हो। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से ये रेशियो सेलेक्ट कर लेना और यहाँ से आके आपको फिल कर लेना, ठीक है? फिल जरूर से कर लेना, उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद अब आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको मीडिया पे चले जाना है और आपको जो यहाँ पर लिरिक्स ऐड कर लेना है, ठीक है? तो मीडिया पे जाएंगे और यहाँ से जो हम वो लिरिक्स को ऐड कर लेंगे। तो गाइस, देख सकते हैं यहाँ पर जो हमने लिरिक्स वाला जो है ये ब्लैक स्क्रीन हमें यहाँ पर इसको ऐड कर लिया है। तो अब आपको क्या करना है, इस पर फिर से क्लिक करना है और यहाँ ये जो आपका वॉल्यूम वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से इसका वॉल्यूम जो है ऑफ कर देना, ठीक है? अगर कोई भी इसमें कोई भी म्यूज़िक होगा बैकग्राउंड में तो वो मतलब बंद हो जाएगा। तो गाइस, इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना है कि आपको जो है यहाँ पर ऑडियो पर जाना है और यहाँ से आपको एक म्यूज़िक ऐड कर लेना है, ठीक है? तो मैं यहाँ से उस म्यूज़िक को ऐड कर लेता हूँ। तो गाइस, देख सकते हैं यहाँ पर हमने इस म्यूज़िक को ऐड कर लिया है। तो अब आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पर आपको एक सबसे पहला एक बीट दिख रहा होगा यहाँ पर, जैसे कि आप गौर से देख पा रहे होगे यहाँ पर ये वाला। तो अब आपको क्या करना है कि यहीं पर आके आपको जो अपने ये जो आपका ये लेयर है ब्लैक वाला, इसको जो है थोड़ा इसका ड्यूरेशन कम करेंगे हम, ठीक है? तो यहाँ पर हम थोड़ा इसको यहाँ लेके आ जाते हैं पहले। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको इस पर क्लिक करना है और इसको जो है थोड़ा सा इसको हम बढ़ा लेंगे जहाँ तक ये हमारा फर्स्ट बीट यहाँ पर आता है, एक यहाँ तक इसको रख लेंगे, ठीक है? देख सकते हो गाइस, हमने इसको अच्छे से यहाँ पर मैच कर दिया और यहाँ तक हमने इसको रख लिया है। तो अब आपको क्या करना है कि आपको फिर से चल जाना है मीडिया पे, ठीक है? यहाँ तक रखने के बाद आपको जाना है मीडिया पे और यहाँ से आप म्यूज़िक के हिसाब से जितना बड़ा म्यूज़िक है आप उसी हिसाब से सुन लेना और आप अपने खुद के इमेजेस यहाँ पर ऐड कर लेना। तो मैं आपको बताने के लिए बस यहाँ पर कुछ इमेजेस को ऐड कर लेता हूँ। तो गाइस, देख सकते हो यहाँ पर हमने इमेजेस को ऐड कर लिया है। तो आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पर देख पा रहे हो कि हमने फर्स्ट जो है यहाँ पर हमने मैच कर दिया, यहाँ पर एक बीट आता है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक बीट दिख रहा है, आपको यहाँ पर कट नहीं करना है। आपको जो यहाँ पर एक बीट दिख रहा है ये यहाँ पर आके आपको कट कर लेना, ठीक है? तो जो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसीलिए मैंने कट कर रखा है। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपको एक बीट दिख रहा होगा छोटा सा, आपको यहीं पर सब पे कट कर लेना, ठीक है? और आगे जाएंगे और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना और यहाँ से इसको ट्रिम कर लेना, ठीक है? तो इसी तरह से देख सकते हो यहाँ पर भी कट, एक छोटा सा बीट है यहाँ पर कट कर लेना है और यहाँ पर दिख रहा होगा बिल्कुल छोटा सा यहाँ पर, जस्ट देखो। जब आप सुनोगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि आपको कहाँ पर ट्रिम करना है, ठीक है? यहाँ पर उसके बाद आपको यहाँ कट कर लेना है। तो देख सकते हो इस तरह से आपको छोटा सा जो बीट है उसी पर आपको कट लगाना है, ठीक है? तो यहाँ से अब ये एक बीट यहाँ पर आ जाता है। तो देख सकते हो यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे और कैंची वाले पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको ट्रिम कर देंगे, ठीक है? तो इसी तरह से आपको सब में ट्रिम कर लेना है। तो वह सब इमेजेस को अच्छे से ट्रिम कर लेने के बाद बीट के हिसाब से, और बाकी जो आपका डिलीट कर देता हूँ और बाकी इसका जो है हम थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है? तो इस तरह से आपको कुछ एडजस्ट कर लेना है। इतना हो जाने के बाद गाइस, अब आपको क्या करना है कि आपको जो है यहाँ पर आपके फर्स्ट इमेज पे जाना और यहाँ से आपको क्लिप ग्राफिक ऐड कर लेना है। तो क्लिप ग्राफिक देख सकते हैं ये है हमारा ओवरऑल एनिमेशन 1। तो गाइस, इसमें जो है आपको यहाँ से जो है दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो है 11 वाला क्लिप ग्राफिक दिख रहा है, 11 नंबर वाला, इसी को आपको सब में फोटो में ऐड कर लेना है। तो गाइस, आपको किस तरह से मिलेगा, आपको जाना है यहाँ पर ये गेट मोर वाले ऑप्शन पे और उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। उसके बाद गाइस, आपको देख सकते हैं यहाँ पर एक एनिमेशन देखने को मिल जाएगा, जैसे कि देख पा रहे ये वाला, मतलब कि आपको एक क्लिप ग्राफिक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ये वाला, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद जो है इजीली आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं। तो यही 11 नंबर वाला ही आपको सब में क्लिप ग्राफिक ऐड करते चले जाना है, ठीक है? तो हम देख सकते हैं यहाँ पर इसमें भी 11 नंबर वाला ही ऐड करेंगे। फिर इसी तरह से आपको सब फोटो में जो है 11 नंबर वाला ही ऐड करना है ओवरऑल एनिमेशन 1 से, ठीक है? तो 11 नंबर वाला मैं सब में ऐड कर लेता हूँ, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। तो गाइस, सब में क्लिप ग्राफिक ऐड कर लेने के बाद अब आपको आना है स्टार्टिंग पे। स्टार्टिंग पे आने के बाद लेयर पे चले जाना है और फिर उसके बाद मीडिया पे जाना है। तो उसके बाद आपको क्या करना है गाइस, आपको यहाँ पर एक इफेक्ट ऐड कर लेना है। तो मैं यहाँ पर इफेक्ट को ऐड कर लेता हूँ।
तो गाइस देख सकते हो यहाँ पर वो इफेक्ट हमने यहाँ पर इसको ऐड कर लिया। तो इसको क्या करेंगे, हम इसको पूरा फुल स्क्रीन कर देंगे, ठीक है। फुल स्क्रीन करने के बाद अब आपको क्या करना है, इस पर फिर से क्लिक करना है और नीचे चल जाना है और यहाँ से आपको ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पर जाना है और इसको जो है स्क्रीन कर देना, ठीक है। स्क्रीन करने के बाद आपको देख सकते हो यहाँ तक है आपका पूरा, तो इसको थोड़ा यहाँ से इसको थ्री डॉट पर क्लिक करके डुप्लीकेट कर लेंगे तो जहाँ तक आपका होगा ये उस तरह से आपको अच्छे से पूरा लेयर पर आ जाएगा ये। तो यहाँ तक हम कर लेने के बाद अब आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर आना है आपका जो फर्स्ट फोटो जहाँ से चेंज होता है, ठीक है, जहाँ से आपका फर्स्ट फोटो चेंज होता है, तो यहाँ पर आएंगे, उसका लेयर पे जाएंगे, मीडिया पे जाएंगे और यहाँ से हम एक लाइट इफेक्ट को ऐड करें। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पर वो लाइट इफेक्ट को हमने यहाँ पर ले लिया है। तो अब उसको क्या करेंगे, इसको भी हम इस पर फुल स्क्रीन कर देंगे इस पर से, उसके बाद आपको राइट कर लेना है, फिर से इस पर क्लिक करना है, नीचे चल जाना ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पर, इसको जो है स्क्रीन कर देना, ठीक है। स्क्रीन करने के बाद आप कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा, बाकी तो इसको फिर से आप इस पर क्लिक करना है, इसको जो है डुप्लीकेट कर लेना, ठीक है। तो इसका जो आपको दूसरा लेयर आपको मिल जाएगा, तो आप जो थोड़ा उसको आगे बढ़ा लेना, कुछ इस तरह से आप रख लेना, ठीक है। इस तरह से रख लेने के बाद आपका पूरा हो जाएगा यहाँ तक। तो देख सकते हो गाइस यहाँ तक इतना हो जाने के बाद अब आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में आ जाना है, बिल्कुल स्टार्टिंग में। उसके बाद आपको लेयर पे जाना है और मीडिया पे जाना है और यहाँ से फुल स्क्रीन बाउंड्री ऐड करना है। तो देख सकते हो गाइस यहाँ से हमने फुल स्क्रीन बाउंड्री को ऐड कर लिया है। तो आपको इसको सिंपली क्या करना है, फुल स्क्रीन कर लेना है। फुल स्क्रीन करने के बाद इस पर क्लिक करना है और इसको भी ब्लेंडिंग पे जाके स्क्रीन कर देना है, ठीक है। स्क्रीन करने के बाद इसको फिर से क्लिक करना है और इसका ड्यूरेशन आपको बढ़ा लेना है जहाँ तक आपका सॉन्ग है। तो गाइस इतना हो जाने के बाद अब देख सकते हो कि आपका वीडियो जो बिल्कुल रेडी हो चुका है। गाइस जिस तरह से मैंने बताया स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, आपका बिल्कुल सेम बन जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। तो चलिए गाइस अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ कि किस तरह से वीडियो बना है। तो गाइस देख सकते हो हमारा जो वीडियो बिल्कुल इजीली क्रिएट हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से इस पर क्लिक करना है और यहाँ से इसको फुल HD पर रख के यहाँ से इसको सेव कर लेना है, ठीक है। सेव कर लेने के बाद मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ, आप सेव कर लेना। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करके बताना और कैसा लगा वीडियो, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। तो अब मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।